ओ ले लो पैसा ते ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो। गाइस यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्रैंकलिन ऐसे गाने क्यों गा रहा है। गाइस मैं ऐसे गाने इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि गाइस आज मैंने सिंचैन को गिरवी रख दिया है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया क्या बोल रहे हो? अरे यार हाँ सिंचैन, गाइस मैंने आज यहाँ पे सिंचैन को गिरवी रख दिया है क्योंकि गाइस जो भी लोग इस रैम को खेल रहे हैं उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी है। गाइस यहाँ पे इस वाले रैम में जो भी बंदा जीतेगा वो दूसरे लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई ले जाएगा। अरे बड़े भैया तुमने बिल्कुल ठीक बोला। और गाइस यहाँ पे आज मैंने वेनम पुल की जगह पे बुला लिया है आलोक को। अरे यार मुझे क्यों नहीं बुलाया तुमने? अभी मैं दोस्तों आ गया। अरे यार फ्रैंकलिन, अरे यार ये क्या, अरे यार लग गई मेरे। अरे दोस्तों यहाँ पे मेरा सर फूट गया। अरे यार फ्रैंकलिन यहाँ पे तुम नाटक मत करो और जल्दी से खड़े हो जाओ। अरे मैं खड़े होने की हालत में नहीं हूँ। अरे यार ये नाटक बहुत ज्यादा करता है। खैर छोड़ो, तो दोस्तों ये वाले रैम मैं भी खेलूंगा। अरे और यहाँ पे मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी है। अरे दोस्तों मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पे आया हूँ? अरे ये लोग कौन है? अरे यार फ्रैंकलिन भैया, आप फ्रैंकलिन हो? अरे कौन फ्रैंकलिन? अरे यार लगता है इसको शौक देना पड़ेगा। अरे रफ्तार पे रफ्तार। अरे मुझे सब याद है गाइस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नाटक ही कर रहा था। तो गाइस अभी मैं आपको रैम दिखा देता हूँ। तो गाइस इस वाले रैम में आपको अपनी बाइक को एकदम स्पीड में ले जाना है और गाइस फिर आप आएंगे इस वाले बॉक्स पे जो कि गाइस बहुत ही खतरनाक है। फिर गाइस आपको सीधे जाते जाना है और गाइस फिर आपको मारना है एक राइट टर्न और फिर आप आ जाएंगे यहाँ पे। और गाइस यहाँ से निकलना भी सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर गाइस आपको अपनी बाइक को आराम से यहाँ पे लेके आना है और फिर यहाँ पे सीढ़ी आ जाएंगी और गाइस इन सीढ़ियों पे आपको हर एक कदम फूक फूक के रखना होगा। अरे बड़े भैया हम तो यहाँ पे बाइक से जाएंगे। अरे मोटू वो मुहावरा है। अरे हाँ पतलू उसको कुछ समझाओ। तो दोस्तों आपको एंड में वहाँ पे लैंड करना है और गाइस जैसे ही आप वहाँ पे लैंड कर लेंगे आपको मिल जाएंगे इन सभी की पूरी जिंदगी की कमाई और गाइस साथ ही साथ मेरी भी। अरे फ्रैंकलिन भैया पहले मुझे आप ये बताइए आपने मुझे क्यों गिरवी रखा? अरे सिंचैन तुम ही तो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई हो। अरे ऐसा क्या? अरे यार हाँ। अरे यार अच्छा ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। अरे बड़े भैया ऐसे कैसे चले जाओगे? सबसे पहले मोटू जाएगा। अरे तो पतलू जल्दी से तुम आ जाओ। अरे हाँ मोटू बस 2 मिनट रुको मैं अभी आया। अरे हाँ बड़े भैया जल्दी आओ। अरे तो बड़े भैया ये मैं चला। अरे मोटू कहाँ पे जा रहे हो मुझे तो ले लो। अरे बड़े भैया ये क्यों पतलू तुम पीछे रह गए क्या? अरे मैंने तुमसे बोला था ना मैं आ रहा हूँ अभी मुझे लेके जाओ जल्दी से। अरे बड़े भैया ठीक है। अरे दोस्तों ये पतलू भी ना पता नहीं कैसी हरकतें करता है। अरे मैं हरकतें कर रहा हूँ या फिर तुम? अरे गाइस ये दोनों भी ना पता नहीं कितनी देर करेंगे रैंप पे जाने में। अरे बड़े भैया फ्रैंकलिन अभी तुम देखते जाओ कि मोटू क्या कमाल करता है। अरे मोटू तुम समोसे खा के आए हो ना? अरे बड़े भैया क्यों? अरे यार अगर हम हार गए तो हम अपना पैसा लेके भाग जाएंगे और जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसको पीट देंगे। अरे ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा, तुम्हें अपना पैसा यहाँ पे देना होगा। अरे यार फ्रैंकलिन तुम्हें मेरी आवाज आ रही है क्या? अरे मैं सबकी आवाज सुन सकता हूँ। अरे यार अच्छा ऐसी बात है क्या? अरे दोस्तों आप लोग चिंता मत करिए यहाँ पे मैं और मोटू ही जीतेंगे। क्यों मोटू? अरे बड़े भैया पतलू तुमने बिल्कुल ठीक बोला। अरे मोटू पतलू हमेशा ठीक ही बोलता है। अरे बड़े भैया और मोटू हमेशा ठीक ही रैम करता है। अबे यार ये क्या यहाँ पे हम कैसे निकलेंगे बड़े भैया? अरे मोटू आराम आराम से ले चलना। अरे बड़े भैया ठीक है। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे मैं एकदम आराम आराम से ले जा रहा हूँ। अरे बड़े भैया ये क्या यहाँ पे तो जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अरे मोटू आराम से चलो। अरे ठीक है पतलू तो ये देखो मैंने यहाँ पे पार कर लिया। अरे वाह मोटू तुम तो एकदम कमाल हो। अरे हाँ बड़े भैया और ये देखो मैंने शॉर्टकट भी मार दिया। अरे वाह मोटू एक और शॉर्टकट मार के दिखाओ। अरे बड़े भैया ये देखो। अरे बड़े भैया ये क्या? अरे बड़े भैया फ्रैंकलिन ये तुम्हारी वजह से मैं नीचे गिर गया। अरे मोटू तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, फ्रैंकलिन के कहने पे तुमने शॉर्टकट क्यों मारा? अरे यार फ्रैंकलिन तुमने चीटिंग की है, हम लोग दोबारा रैंप को करेंगे। अरे ऐसे ही थोड़ी ना रैंप को कर लोगे तुम दोबारा। तो दोस्तों यहाँ पे मोटू और पतलू हार चुके हैं और गाइस यहाँ पे उन दोनों की पूरी जिंदगी की कमाई तो गई। अरे यार अच्छा ऐसी बात है क्या? अरे हाँ वेनम पूल और अब बताओ कि यहाँ पे कौन जाने वाला है? अरे यार यहाँ पे तुम्हारा भाई जाएगा। अरे मेरा भाई? अरे यार हाँ मतलब वेनम पूल। अरे अच्छा अच्छा वेनम पूल, वैसे तुम मेरे भाई कब से बन गए? अरे यार बस आज ही से। फ्रैंकलिन अगर मैं हार जाऊं तो प्लीज मेरी पूरी जिंदगी की कमाई मत लेना। अरे मैंने यहाँ पे पाई पाई जोड़ के वो सारे पैसे इकट्ठे किए हैं। अरे वेनम पूल रूल सबके लिए सेम है। अरे यार ये क्या? अरे यार यहाँ पे तो स्कूटी है, अब मुझसे यहाँ पे कोई नहीं जीत सकता। हा हा हा।
अरे गाइस ये क्या, वेनम पुल की यहाँ पे हंसी। गाइस इस हंसी को देख के लग रहा है वेनम पुल यहाँ पे जीतेगा। अरे यार हाँ फ्रैंकलिन, तुम्हें तो पता ही है कि स्कूटी की मदद से मैं कितने खतरनाक खतरनाक स्टंट करता हूँ। अरे गाइस ये बात तो वेनम पुल ठीक बोल रहा है। अरे हाँ वेनम पुल, लगता है तुम ही जीतोगे। अरे यार हाँ आलोक, और साथ के साथ तुम भी जीतोगे, पैसे को हम आधा आधा बांट लेंगे। अरे यार वेनम पुल भैया, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। अरे यार सिंचन, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये कॉन्फिडेंस है जो कि मुझे मिलता है स्कूटी की मदद से, क्यों फ्रैंकलिन? अरे इसमें मैं क्या बोलूं। अरे गाइस ये देखिए वेनम पुल स्कूटी की मदद से कितने तगड़े तगड़े स्टंट कर रहा है। गाइस हमसे स्कूटी रोड पे नहीं चलती है और वेनम पुल स्कूटी से रैम कर रहा है। अरे यार फ्रैंकलिन, अभी तुम्हें स्कूटी की पावर का अंदाजा नहीं है, अभी तुम्हें इसकी पावर का अंदाजा होगा जब मैं यहाँ पर रैम जीतूंगा। अरे यार मैंने बोला ना, इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। अरे हाँ सिंचन, वेनम पुल तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो रहे हो। अरे यार हाँ मैं कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा हूँ। अभी तुम बस देखते जाओ इसको कितनी आसानी से पार करता हूँ मैं, ये देखो। अरे गाइस ये क्या, वेनम पुल ने इसको भी बड़ी आसानी से पार कर लिया। अरे यार हाँ, और मोटू की तरह मैं भी शॉर्टकट मारूंगा। अरे नहीं नहीं, मोटू शॉर्टकट के चक्कर में ही आउट हो गया था। और यार पर आलोक मैं तो मारूंगा। अरे दोस्तों ये क्या, अरे यार ये क्या, हम लोग तो यहाँ पे बच गए, पर हम लोग यहाँ पे बच कैसे गए? अरे यार तुम यहाँ पे इसलिए बचे क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे साथ में था वेनम पुल, अभी तुम देखते जाओ, ये देखा तुमने? अरे गाइस वाह, वेनम पुल ने वहाँ से भी शॉर्टकट मार दिया जहाँ से मोटू शॉर्टकट नहीं मार पाया था। अरे यार हाँ, और ये देखो यहाँ पे मैंने लैंड भी कर दिया। अरे गाइस वाह, हम लोग यहाँ पे जीत गए। अरे यार और यहाँ पे हमारे सारे पैसे बच गए। अरे यार तुमने बिल्कुल ठीक बोला, यहाँ पे हमारे पैसे बच गए और दूसरों के पैसे भी हमारे होंगे। अरे वेनम पुल तो यहाँ पे गाइस जीत गया, अभी गाइस मुझे भी यहाँ पे जीतना होगा। अरे यार फ्रैंकलिन, तुम यहाँ पे नहीं जीतने वाले, अगर तुमको जीतना है तो तुमको भी यहाँ पे स्कूटी चाहिए होगी। अरे गाइस मुझे यहाँ पे किसी भी हालत में जीतना होगा। अरे यार हम लोग जीतेंगे। अरे यार पुलिस की वर्दी शेर का दम, अब तो हमें जीतना ही होगा वरना हमारी पूरी जिंदगी की कमाई वेनम पुल को मिल जाएगी। अरे यार हाँ, और आलोक को भी। अरे गाइस हाँ, मैंने तो गाइस यहाँ पे अपनी गाड़ी को भी बेच दिया और अपने घर को भी, और गाइस यहाँ तक कि मैंने चौपर सिंचन को भी गिरवी रख दिया। अरे यार पुलिस की वर्दी शेर कदम, अभी मैं और की को जाएंगे। अरे यार और यहाँ पे जीत के आएंगे। अरे यार तुमने बिल्कुल ठीक बोला, पर मेरे लिए रुक जाओ। अरे यार मैं गाड़ी को तुम्हारे पास ही ला रहा हूँ, ये देखो मेरा स्टंट। अरे यार गाड़ी को छालने को तुम स्टंट बोलते हो? अरे यार ऐसे स्टंट मैं बचपन में करता था, और अभी तो बस नमूना है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अरे यार अच्छा ऐसी बात है क्या? अरे यार हाँ कीको। अरे यार तो चलो फिर। अरे यार कीको मैं चल ही रहा हूँ, तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं रैंप पे, और गाइस यहाँ पे मैं धीरे धीरे अपनी गाड़ी को ले जा रहा हूँ। अरे यार अभी तो तुम स्टंट करके दिखा रहे थे, अभी तुमको क्या हो गया? अरे यार कीको यहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पैसे लगे हुए हैं। अरे यार ये बात भी तुम्हारी ठीक है। अरे यार हाँ यहाँ पे मैं बाइक को बिल्कुल आराम आराम से चलाने वाला हूँ, बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए हम लोगों को। अरे यार हाँ लिटिल सिंघम, तुम्हारी बात यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अरे यार ये क्यों, अरे यार हम तो यहाँ पे गिर गए। अरे यार अभी तो तुम बोल रहे थे आराम आराम से चलाऊंगा। अरे यार वो मैंने आराम से चलाई थी, वो बस यहाँ पे गाड़ी फिसल गई। अरे यार लिटिल सिंघम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे यार दोस्तों मैं तो यहाँ पे लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे यार यहाँ पे मैं भी तो बर्बाद हो गया, मुझे और बर्बाद क्यों कर रहे हो? अरे यार तुम अभी और बर्बाद हो गए। वैसे गाइस मैं यहाँ पे पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ हूँ, मेरे पास में अभी भी यहाँ पे सुपर स्पीडो है। अरे यार वो तो मैं गिरवी रखे आया। अरे यार क्या, अरे गाइस इसने मेरी सुपर स्पीडो को गिरवी रख दिया। अरे यार हाँ, अरे ये ले आगे मदद तुझे। अरे दोस्तों मैं तो गया काम से। अरे यार यहाँ पे मैं सुपर स्पीडो को बुला के देखता हूँ। अरे रफ्तार पे रफ्तार, 87 से निकले सुपर स्पीडो कार। अरे यार ये क्या, अरे यार सुपर स्पीडो तुम आ गए। अबे यार हाँ बड्डी, ये लिटिल सिंघम मुझसे बोल रहा था, चलो तुम्हें मैगी वाली पेट्रोल पिला के लेके आता हूँ। मैं इसके साथ चला गया, फिर ये मुझे गिरवी रखने ले गया। अरे यार इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको तो मैं बाद में बताऊंगा। अरे गाइस यहाँ पे कीको तो चला गया, और गाइस अभी हमारी बारी है क्योंकि गाइस अभी यहाँ पे एंड में हम लोग ही रह गए हैं, तो सिंचन जल्दी से आगे बैठो। अरे यार मन तो कर रहा है मेरे हाथ में जो गन है उससे मैं आपका सर फोड़ दूं। अरे सिंचन ऐसा क्यों बोल रहे हो, अरे यार आपने मुझे गिरवी क्यों रखा? अरे सिंचन तुम यहाँ पे चिंता मत करो, मैं यहाँ पे तुम्हें और चौपू छुड़ा लूंगा, क्योंकि तुम्हें पता तो है ही है कि फ्रैंकलिन क्लिंटन कितना ज्यादा हैवी ड्राइवर है। अरे यार कोई हैवी ड्राइवर नहीं हुआ, बस आप नाटक करते हो। अरे क्या मैं नाटक करता हूँ? गाइस अभी इसको दिखाना ही पड़ेगा कि फ्रैंकलिन क्लिंटन क्या क्या कर सकता है,
तो ये देखो यहाँ पे मैंने कितनी आराम से गाड़ी को मोड़ दिया। अरे यार ये तो कोई भी कर लेगा। अरे अच्छा तो ये बताना ये कोई कर पाएगा कि नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो। अरे देखा तुमने, अब सिंचन तुम ही बताओ क्या इस चीज को कोई कर पाएगा। अरे यार फ्रैंकलिन भैया नहीं, इस चीज को तो कोई नहीं कर पाएगा। अरे यार हाँ तो गाइस ये देखिए यहाँ से मैं कितनी आराम से जा रहा हूँ, और गाइस यहाँ से मैं भी शॉर्टकट मारूंगा। ये देखो गाइस मैंने कितनी आराम से यहाँ पे शॉर्टकट मार लिया, और गाइस यहाँ से भी मैं शॉर्टकट मारूंगा। अरे यार दोस्तों मुझे पता है फ्रैंकलिन भैया तो इस वाली शॉर्टकट को कर लेंगे। अरे सिंचन वैसे मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं यहाँ पे आराम आराम से ही जाऊंगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे सिंचन और चौप भी दांव पे लगे हुए हैं। पैसों की मुझे इतनी चिंता नहीं है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया आप हमारी इतनी चिंता करते हो। अरे और नहीं तो क्या। तो गाइस ये देखिए मैंने यहाँ पे जंप लगा दी, और गाइस ये अरे यार ये क्या। अरे गाइस हम लोग यहाँ पे रह गए। अरे यार फ्रैंकलिन भैया ये आपने क्या कर दिया। अरे गाइस हम लोग बस यहाँ पे थोड़ा सा ही रह गए, 1 इंच का फासला बचा था बस। अरे गाइस मेरी यहाँ पे पूरी जिंदगी की कमाई चली गई, और यहाँ पे सिंचन और चौप भी। अरे अरे वेनमपुर और आलोक तुम कैसे हो। अरे यार मेरा नाम वेनमपुल है ना कि वेनमपुर। अरे अरे हाँ वेनमपुल वही वही। अरे यार अब तुमने मेरा नाम ठीक बोला। अरे हाँ वैसे मैं सोच रहा था तुम मेरे पैसे मुझे वापस कर सकते हो क्या। अरे यार फ्रैंकलिन बिल्कुल नहीं। अरे गाइस मुझे पता था ये लोग मुझे मेरे पैसे नहीं देंगे। गाइस मैं तो यहाँ से चला। अरे वेनमपुल तुम्हें उसे पैसे दे देने चाहिए थे। अरे तुमने क्या बोला, ये लो। अरे आलोक ये सारा का सारा पैसा हमारा है, बल्कि ये सारा का सारा पैसा सिर्फ मेरा है। अगर तुम्हें इसमें से चाहिए तो तुम थोड़ा ले सकते हो, बाकी मैं ये पैसा किसी को नहीं दूंगा। ये तो कई 100 करोड़ रुपए होंगे। अरे हाँ फ्रैंकलिन बता रहा था ये 350 करोड़ रुपए है। और यार अच्छा 350 करोड़, हा 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 आज तो मेरी लॉटरी लग गई। और आलोक तुम्हें इसमें से सिर्फ 50 करोड़ मिलेंगे। अरे पर क्यों, मुझे तो आधे मिलने चाहिए। अरे चुप करो तुम, तुम्हें यहाँ पे सिर्फ 50 करोड़ मिलेंगे, क्योंकि ये रैम मैंने ही पार किया था। हा हा हा।